नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आपके सितारे आपकी किस्मत में। मैं हूं शिखा सिंह। जैसा कि हम हमारे कार्यक्रम में बताते हैं कि आपका आज का समय या दिन कैसा गुजरेगा आपकी राशि के अनुसार। हमारे साथ स्टूडियो में है दीपक कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम जानेंगे आपकी राशि के अनुसार आपका दिन कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं शिखा सिंह जी, जिन्होंने भेजी है अपनी कुंडली और जानना चाहती अपने भविष्य के बारे में। तो सबसे पहले करते हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण, उसके बाद जानेंगे बाकी राशियों के बारे में। जी, आज हम कुंडली विश्लेषण करेंगे शिखा सिंह जी की। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ है वो तुला लग्न और वृष राशि में जन्म हुआ है। ऐसे जातक क्या होता है, ऐसे जातक जो सोच होता है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी विचारधारा के होते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे जातक जब कर्म करते हैं तो बहुत मन से करते हैं, और इनमें क्या होता है कि जब इच्छा काम की नहीं होती है तो बहुत ही उदासीनता होती है, मन में कोढ़ीपन आ जाता है। ऐसे जातक जब तक कार्य करते हैं तो जो काम नहीं होना है उसको भी कर डालते हैं, लेकिन जब लगता है कि इनको थोड़ा आराम के मूड में रहते हैं तो ये जो काम करना भी है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और काम को नियमित तरीके से करें तो ये जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो लग्न का अधिपति ग्रह जो है वो शुक्र है, और शुक्र लग्न से तृतीय स्थान में होने से कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको आ जाती है। कभी कभी मानसिक चिंता से भी ये गुजरते हैं, कई बार सर में भी इनको दर्द हो सकता है, कभी कभी इनको सर में भी दर्द हो जाया करता है। इनको ये करना चाहिए कि इनका जो पंचम स्थान जो विद्या भाव जो है, तो इनका शिक्षा जो योग बताता है वो है, वो मध्यम ही कहा जा सकता है, शिक्षा इनका मध्यम ही रहेगा। और इनको अगर प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आगे उसी शिक्षा के आधार पर वो आगे भी बढ़ सकते हैं, पर इनको प्रयास थोड़ा सा विशेष करना पड़ता है, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है रिजल्ट के अनुसार। इनका जो चतुर्थ भाव जो माता स्थान में सूर्य पुत्र की होती है, तो इनका रंगान पक्ष विशेष बेहतर कहा जा सकता है, नन्हान पक्ष जो है विशेष बेहतर कहा जा सकता है। पंचम स्थान पे मंगल की दृष्टि होने से कभी कभी इनको पेट संबंधी भी समस्या आ सकती है, गैस की समस्या हो सकती है, और कभी कभी पेट भी गड़बड़ रहा कर सकता है। इनको क्या है कि इनके मन में बहुत तरह के विचारधारा बनते रहते हैं, काल्पनिकता बहुत ज्यादा है। ये प्लानिंग जब बैठे रहते हैं या खाली जब बैठते हैं या खाली जब लेटते हैं तो इनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, प्लानिंग कल्पनाओं में खोए रहते हैं, और कल्पनाओं में खोए रहने के अलावा जो है उसको वास्तविक स्थिति पर लाने में जितना इनको मेहनत करना चाहिए उतना कभी कभी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से इनके योजनाएं हैं उस तरह से फलीभूत नहीं हो पाते हैं। ऐसे जातक न्याय विचारधारा के होते हैं, ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जातक क्या होता है कि धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं और भगवान पर भी विश्वास करते हैं। ऐसे जातक बड़ों को इज्जत देने वाले होते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़ों को पूर्ण इज्जत देते हैं, और कभी कभी इनका मूड जो है गुस्सैल मूड में भी आ जाते हैं। कभी कभी जब गुस्सा आता है तो इनको बहुत तीव्र गति से आता है, और गुस्सा बहुत आसानी से शांत भी हो जाता है। ऐसे जातक क्या होता है, गुस्सा बड़ी आसानी से शांत होता है, और जिनसे इनका लड़ाई झगड़ा भी कभी हो जाए तो उनको भी ये क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जातक क्या होता है कि एक ही चीज को अगर गुस्सा में अगर मन में ठान लिए किसी के प्रति अगर कि हमको जीवन भर उससे नफरत करना है तो नफरत करेंगे, लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि लोगों को माफ ही कर देते हैं, चाहे वो जितना भी गुस्सा हो जाए कोई भी व्यक्ति हो उनको माफ करने के लिए इनका दिल थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे जातक का एकादश स्थान में सिंह राशि में मंगल होने से आय के स्रोत में इनके सने सने वृद्धि होती है। एक बैग से सोचेंगे कि जीवन में मतलब परिवर्तन आ जाए, वैसा भी नहीं होता है, संघर्ष करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इनका कर्म स्थान का अधिपति यहाँ पे बनता है चंद्रमा, जो अष्टम स्थान में लग्न से अष्टम स्थान में बैठने की वजह से कर्म के क्षेत्र में जितना इनको मतलब आगे बढ़ना चाहिए उसमें उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मेहनत के अनुरूप इनको परिणाम भी थोड़ा कम ही मिल पाता है, जिसके वजह से इनको मेहनत करते हुए उस आशा अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते। इनको उच्च का चंद्रमा होने से इनके काल्पनिकता शक्ति जो है बहुत बेहतर कहा जा सकता है, जीवन में ये लग्जरी लाइफ को जीने की अभिलाषा रखते हैं,
जीवन में इनको गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, गाना गाना या डांस देखना, ये सारी चीज़ें इनके मन में उपस्थित रहती है। ये चीज़ें का शौक इनको बना रहता है। ऐसे ज़्यादा क्या होता है कि जीवन में बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, जीवन में सुख ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनको बहुत सारे कपड़े पहनने का शौक़ होता है, ये इत्र वगैरह जो सेंट परफ्यूम वगैरह होता है इनसे भी इनका लगाव विशेष बना होता है। ऐसे जातक को अभी जो योग बना हुआ है इनके हिसाब से इनका ये कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं बना हुआ है, लेकिन कुछ दोष जरूर बने हुए हैं। जैसे कि इनकी कुंडली में एक दूत थी, सप्तम स्थान में विवाह में इनका जो है थोड़ा सा कहे कि अड़चन आ सकती है, मतभेद हो सकता है, मतलब किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन विवाह में कोई लेट की योजना नहीं बन सकती है, इनका समय पे ही विवाह हो जाता है। इस समय जो इनकी दशा चल रही है कुंडली में वो देखते हैं कि इस समय दशा क्या चल रही है। इस समय इनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, जो 2012 से लेकर के 2030 तक 18 वर्षों की ये महादशा चलेगी। 16 नवंबर 2012 से लेकर के 16 नवंबर 2030 तक राहु की महादशा चलेगी। राहु में इस समय जो दशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है, राहु में शनि की महादशा चल रही है जो 28/10/2020 तक चलेगी। इस समय में जो है इनको विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह इनको कार्य क्षेत्र में अदला बदली भी करनी पड़ सकती है। स्थानांतरण का जो कारक है वो राहु होता है, और राहु की महादशा में इनको एक जगह से दूसरे जगह पे कर्म क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकता है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, राहु चूंकि लग्न में है तो ऐसे जातक क्या होता है खास करके स्त्रियों में राहु काफ़ी सपोर्ट करता है, जितना उसको नुकसान करना चाहिए उतना नहीं करता है, लेकिन अंतर्दशा चल रही है शनि की, शनि यहाँ पंचमेश है तो यह समय इनका विशेष ही बेहतर बीतने का पाया जा रहा है। अगर इसको भरपूर प्रयोग करें तो 2020 तक का जो समय है इनका बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है। और इनका जो विवाह का समय अगर कहें तो विवाह का समय जो है 2018 मध्य मई 2018 से लेकर के 24 अप्रैल 2022 के बीच इनका जो विवाह का लगन का समय जिसको कह सकते हैं ये पाया जा रहा है, इस समय तक निश्चित ही इनका विवाह हो जाता है। मई 2018 से अप्रैल 2022 के बीच इनका विवाह निश्चित है। तो ये था शिखा सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण। जी तो शिखा सिंह जी, आपके भविष्य में क्या जो भी जुड़े सवाल हैं उसके जवाब दिए हैं आपको पंडित जी ने। इसके अलावा अगर अब भी कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं सीधे संपर्क। फिलहाल समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे अपनी अगली राशि के बारे में। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े और करें ITI कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, मैकेनिक, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। संपर्क करें 0326-235-0666। झरिया कोल्डफील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने भूतगढ़िया में जामाडोबा फुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल, जहां नर्सरी से 10th तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य तो फिर देर किस बात की, जारी है नामांकन, आज ही चले आए ग्रीनफील्ड स्कूल। फीचर्स क्वालिटी एजुकेशन, को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड डांस। ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था, सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा, ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य। हमारा पता है ग्रीनफील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया, मैनेज्ड बाय ग्रीनफील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जामाडोबा पुटकी रोड, छरिया, धनबाद। कॉन्टेक्ट करें 9155-350-875। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन, 10 वर्षों से सफलता पूर्वक चल रहा है। फैसिलिटीज स्पेसियस क्लासरूम, वेल फर्निश्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेपुटेड सोसाइटी, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, सिक्योर कैंपस, मंथली फी आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, राइम्स ऑडियो एंड वीडियो, कल्चरल प्रोग्राम, एक्सपीरियंस टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नोट,
free admission for nursery kids. So hurry up, contact today Kids Angel Public School, Riverside, Sudamdi, and Pathar D. Ajmera, our phone number on your TV screen. मेरा मन करते मैं नो छोलो दिन खेलता रहूं इतने चाले खिलौने और झूले और कंप्यूटर वीडियो गेम और डांसी भी करूं बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने न्यू एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ खेलेंगे डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे तभी तो स्मार्ट बनेंगे प्रगतिशील आत्मविश्वास से भरपूर वे सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए बच्चे बने परफेक्टली स्मार्ट बच्चों की मनपसंद गतिविधियाँ वो प्रतियोगिताएं मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है ताकि बच्चे बने स्मार्ट एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल जहाँ बच्चे जाते हैं शौक से और हमारा पता तो नोट कर लीजिए न्यू एंजल्स होम स्कूल डिग नंबर 10 मांझी बस्ती जलगोड़ा धनबाद हमारा फोन नंबर है 0326325099 हमारा मोबाइल नंबर है 0983557992 अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो चले आएं सेंट चिस्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन CBSE एंड झारखंड झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग नए सत्र के लिए जारी है नामांकन नर्सरी LKG एवं UKG में नामांकन है फ्री प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था तो फिर देर किस बात की इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं हमारा पता है सेंट चिस्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती धनबाद हमारा वेबसाइट है www.st.chisti.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa432968@gmail.com कांटेक्ट करें 9431513058 और 03262380702 बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड संजेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित एडमिशन ओपन नए सत्र 2017-18 में जारी है नामांकन अनुशासन विनम्रता शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश CCTV कैमरे की नज़र में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम CBSE पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था हमारा पता है संत जेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया सिंधी रोड धनबाद हमारा ईमेल एड्रेस है santjeviersschool@gmail.com हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारे अन्य 12 राशियों का आज का दिन कैसा बीतेगा और शुरुआत करते हैं मेष राशि से तो आज शुरू करते हैं आज का दिनांक जो है वो 11 अप्रैल 2018 और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज मेष राशि वाले का आज फल के बारे में बात करते हैं मेष राशि वाले आपका जिस तरह का बीते हुए कुछ दिनों से चल रहा है आपका वक्त अभी बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है आप प्रफुल्लित रहेंगे मन में आपका जो उत्साह उमंग बना रहेगा
आप कोई भी योजना अभी बना सकते हैं, आपकी योजनाओं को फलीभूत होते अभी आप देख सकते हैं। आप परीक्षार्थी वर्ग के मन में भी जो उत्साह रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, आज आप पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपका शुभ रंग जो है वो गुलाबी रंग है और आपका शुभ अंक जो है एक। आज आपको जो उपचार के तौर पर करना क्या चाहिए दिन को और बेहतर बनाने के लिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जी तो हमने जाना मेष राशि धारक का आज का दिन कैसा रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वृषभ राशि का आज का दिन। वृषभ राशि वाले, आपका समय साधारण ही बीतने का पाया जा रहा है। आपके मन में उत्साह उमंग जो है, जोश की कमी देखने को पाई जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। आपको खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठंडे चीजों का सेवन से आपको बचना चाहिए। आप शीतल पेय का जो है प्रयोग कम से कम करें, आपका स्वास्थ्य विशेष हानि पहुंचा सकता है। आपको जो है आज के दिन जो करना क्या चाहिए कि आज के दिन जो है मिश्री शिव जी के मंदिर में जाकर के आपको चढ़ाना चाहिए और उसी मिश्री को भोग के तौर पे आप लेकर के आज दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपका दिन आज फिर साधारण ही बीतने का पाया जाएगा। आपको आपका जो शुभ अंक है वो दो है और आपका शुभ रंग जो है वो सफेद और हल्का गुलाबी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वाले, आपका जो समय है आज बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है। आप कोई योजना बना सकते हैं। आज आपका किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, नए दोस्त बनेंगे जो आगे चल करके आपको लाभदायक परिणाम उनसे आपको आगे चल करके लाभदायक परिणाम हासिल हो सकते हैं। आज के दिन जो भी मित्रता जिससे होगी वो लंबे समय तक मित्रता बनी रहेगी। आज का दिन आपका जो है ठीक ही बीतने का पाया जा रहा है। आपको गणेश जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपका दिन जो है आज मंगलमय ही बीतेगा। आपका शुभ रंग जो है हरा और हल्का नीला है। आज का आपका शुभ अंक जो है वो है 6। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। कर्क राशि वाले, आज आपका दिन जो है बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है। आपके पिछले कई दिनों से दिन जो है तनावपूर्ण बीत रहे थे, आज का दिन में आप तनाव मुक्त थोड़ा हो सकते हैं। मनोरंजन की दुनिया में आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन हंसी मजाक आज बना रहेगा। आज कोई यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। आज आपको मिश्री दिन की शुरुआत जो है अपने पूजा या धर्म स्थल पर कहीं भी मिश्री चढ़ा लेना चाहिए। आपके जो इष्ट देव हैं उनको मिश्री चढ़ा करके आप दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं। आपका शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफेद, हल्का पीला है और शुभ अंक आपका 5। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपका दिन मंगलमय ही बीतने का पाया जा रहा है। आज जमीन जगह संबंधी आप कोई कार्य शुरुआत कर सकते हैं और आपको आज कहें तो पैतृक संपत्ति में जो बाधा चली आ रही थी वो बाधा का आज निवारण हो जाएगा। आपको पैतृक संपत्ति हासिल होने का योग बन रहा है। आपका शुभ अंक जो रंग है वो हल्का पीला है और शुभ अंक आपका 5। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। कन्या राशि वाले, आज का दिन आपका बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है। आज का दिन जो है आपका मन में आपके जो राशि में से सप्तम स्थान में बुध है, नीच का होकर के हैं, लेकिन चूंकि अपने राशि को देख रहे हैं इस वजह से मन में उत्साह उमंग बना रहेगा। आज आपके कार्य में जो भाग्य प्रतिशत है वो बेहतर ही बीतने का पाया जा रहा है। सोच में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज आप जो भी करेंगे उसमें मुख्य कुछ हद तक कुछ कामों को छोड़ करके आपको सफलता ही हासिल होने का पाया जा रहा है। आपको आज करना क्या चाहिए, आज के दिन आपको हरे घास का प्रयोग करना चाहिए। हरे घास दूध घास का जो है गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और दिन की शुरुआत करें तो आज का दिन आपका बेहतर बीतने का पाया जा रहा है। आज आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। आपका शुभ रंग जो है हरा है और शुभ अंक जो है 3। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातक, आज आपका मन में उत्साह उमंग से भरा पूरा पड़ा हुआ है। आपके लग्न के अधिक आपके जो राशि के मालिक हैं वो आपके सप्तम स्थान में उपस्थित हैं और आपके राशि में आज गुरु भी उपस्थित हैं,
ऐसी स्थिति में आपका जो मन उत्साह उमंग से भरा हुआ रहेगा, आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। आप आज नई मित्रता भी किसी से हो सकती है और वो पूरे आजीवन आपको साथ उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। आपका शुभ अंक जो है सात है और शुभ रंग जो है सफेद। फिलहाल समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे अपनी अगली राशि के बारे में। बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े और करें ITI कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, फीचर, सर्वेयर, मैकेनिक, वेल्डर, ड्राफ्टमैन, सिविल और मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर। संपर्क करें 0326-2350666। झरिया कोलफील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने भूतगढ़िया में जामाडोबा फुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल, जहां नर्सरी से 10 तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो फिर देर किस बात की, जारी है नामांकन। आज ही चले आए ग्रीन फील्ड स्कूल। फीचर्स क्वालिटी एजुकेशन, को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्पोर्ट्स एंड डांस। ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था, सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा, ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य। हमारा पता है ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया, मैनेज्ड बाय ग्रीन फील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जामाडोबा पुटकी रोड, छरिया, धनबाद। कॉन्टेक्ट करें 9155-350-875। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन, 10 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। फैसिलिटीज, स्पेसियस क्लासरूम, वेल फर्निश्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रेपुटेड सोसाइटी, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, बिग प्लेग्राउंड, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस, सिक्योर कैंपस, मंथली फी आर इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, राइम्स ऑडियो एंड वीडियो, कल्चरल प्रोग्राम, एक्सपीरियंस टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नोट, फ्री एडमिशन फॉर नर्सरी किड्स, सो हरी अप, कॉन्टैक्ट टुडे। किड्स एंजल पब्लिक स्कूल, रिवर साइड, सुदाम डी एंड पाथर डी अजमेरा। आर फोन नंबर ऑन योर टीवी स्क्रीन। मेरा मन करते मैं छोलो दिन खेलता रहूं, इतने चाले खिलौने और झूले और कंप्यूटर, वीडियो गेम और डांसी भी करूं। बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने। न्यू एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ, खेलेंगे, डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे, तभी तो स्मार्ट बनेंगे। प्रगतिशील, आत्मविश्वास से भरपूर वे सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए, क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है। न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है, साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है। इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए, बच्चे बने परफेक्टली स्मार्ट। बच्चों की मनपसंद गतिविधियाँ व प्रतियोगिताएं, मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी, स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है, ताकि बच्चे बने स्मार्ट। एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे। बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं। नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल, जहां बच्चे जाते हैं शौक से। और हमारा पता तो नोट कर लीजिए, न्यू एंजल्स होम स्कूल, टिगवाडिक नंबर 10, मांझी बस्ती, जलगोड़ा, धनबाद। हमारा फोन नंबर है 0326-325-0999। हमारा मोबाइल नंबर है 0983-557-9992। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो चले आए सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल एकेडमी, डिगवाडी नंबर 10, मांझी बस्ती। को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन CBSE एंड झारखंड। झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल, जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग। नए सत्र के लिए जारी है नामांकन। नर्सरी, LKG एवं
यूकेजी में नामांकन है फ्री। प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं। हमारा पता है सेंट चिश्ती साहित्य मेमोरियल अकादमी, डिगवाड़ी नंबर 10, मांझी बस्ती, धनबाद। हमारा वेबसाइट है www.st.chisti.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa432968@gmail.com। कॉन्टेक्ट करें 9431513058 और 03262380702। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित। एडमिशन ओपन नेसर 2017-18 में जारी है नामांकन। अनुशासन, विनम्रता, शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश। सीसीटीवी कैमरे की नजर में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल। आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था। हमारा पता है सेंट जेवियर्स स्कूल शालीमार, झरिया, सिंधी रोड, धनबाद। हमारा ईमेल एड्रेस है sentjeviersschool@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले, आज आपका मन जो है बढ़ा चढ़ा रहेगा। आज आपको विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपको कहीं से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कोई नवीन सूचना मिल सकता है जिससे आपको लाभ की अनुभूति होगी। व्यवसायिक वर्ग को भी विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। आप पिछले कई दिनों से आपकी राशि में जो योग बन रहे थे उसके हिसाब से आपके जो योग बहुत अच्छे नहीं पाए गए थे, लेकिन आज आपको विशेष लाभ के दिन बन रहे हैं। आपका दिन मंगलमय ही बीतने का पाया जा रहा है। कि आज केवल काम कीजिएगा कि आज वाणी में नियंत्रण रखेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे, अन्यथा किसी से विवाद भी हो सकता है। आप आज के दिन आपको करना क्या चाहिए कि आज मिश्री और धनिया का जो है आज प्रयोग करके आज दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बहुत ही बेहतर बीतेगा। आपका शुभ रंग जो है लाल है और शुभ अंक जो है वो 1 और 8। चलिए आगे और जानते हैं कि धनु राशि का आज का दिन कैसा होगा। धनु राशि वाले, आपका दिन आज मध्यम है। आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता तो पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत हद तक सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आज का दिन किसी गरीब दुखिया को भोजन करा देना चाहिए। ऐसा कराने से क्या होगा कि आपका जो कष्ट आने वाले हैं उसमें आपको उसमें कमी पाई जाएगी, उस कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका जो है आज का शुभ जो अंक है वो 9 है और शुभ रंग जो है आपका पीला है। तो चलिए जानते हैं मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। मकर राशि वाले, आपका दिन आज का दिन जो है वो कष्टदायी बीतने का पाया जा रहा है। आपकी राशि में केतु विराजमान है और सप्तम स्थान पर राहु होने से किसी से वाद विवाद हो सकता है। आज आपको विशेष चोट चपेट लग सकता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आप आज के दिन में वाणी में नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी से विवाद हो जाएगा। कोई अपने ही आपके दुश्मन बन सकते हैं आज के दिन, तो आज के दिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप पीपल के पेड़ में आप दीपक आज दान दे सकते हैं और आज धनिया गुड़ खा करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपका शुभ रंग जो है वो हल्का नीला है और शुभ अंक आज आपके जो है वो है 3। तो अब बात करेंगे कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि में आज जो स्थिति बन रहे हैं ग्रहों की, आज आपके राशि में चंद्रमा के होने की वजह से आपका जो मन है उत्साह से बना रहेगा। आपका जो है मन बढ़ा चढ़ा रहेगा, उत्साह से भरा रहेगा। आज आपके अंदर जोश, एक नया जोश देखने को मिलेगा और आज कोई नई योजना आप बना सकते हैं, नए कार्य की योजना बना सकते हैं। आज जो लोहा का कारोबारी है उनको लोहा संबंधी कारोबारी के लिए करना क्या चाहिए कि आपको आज अपने घर से जब निकले तो काले तिल अपने जेब में लेकर के, थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल लेकर के जेब में, और कार्य पर निकलेंगे तो आपके कार्य बन जाएंगे और आपका दिन मंगल ही में बीतने का पाया जा रहा है। आपका शुभ अंक 11 है। आपको हरा रंग से आज बचना चाहिए और काले रंग का भी प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। आपका शुभ रंग जो है वो हल्का गुलाबी है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मीन राशि वाले आज आपका मन में उत्साह उमंग भरे रहेंगे। आपका आज जो भी कार्य करेंगे उसमें जो सफलता का औसत है वो मध्यम कहा जाएगा। किसी से नया व्यक्ति से संपर्क आज स्थापित कर सकते हैं तो आने वाले वक्त में वो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आज व्यक्ति क्या होता है, आज के दिन जो है जिनसे भी आप संपर्क स्थापित करेंगे ये भविष्य में आपको लाभ मतलब उनसे लाभ मिलने का योग पाया जाना है। आपका शुभ अंक आज जो है वो 5 है और शुभ रंग हल्का गुलाबी। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में और उनके उपाय, तो करें हमारे पंडित दीपक कुमार से सीधी बात दिए गए नंबर पर या हमें ईमेल करें kenewsdhanbad@gmail.com पर।